ड्यूटी से घर जा रहे हैं मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। हादसे में मरने वाले पुलिसकर्मी का नाम अशोक पाटिल था। महेंद्र थाना के सहायक फौजदार अशोक पाटिल बुधवार की रात ड्यूटी खत्म करके अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। जब वह घोड़बंदर रोड के पास पाली विलेज होटल के पास से जा रहे थे, तभी उन्हें एक टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पाटिल के सिर में चोट लग गई। उसके बाद उन्हें मीरा रोड के ऑर्बिट अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक दिन जीवित रहने के बाद इलाज के दौरान ही कल शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। काशीमीरा पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम शाखा की टीम ने मीरा भयंदर के शिवार गार्डन के पास से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 लाख रुपयों से ज्यादा का गांजा प्राप्त हुआ है। गिरफ्तार दो लोगों की पहचान काशीमीरा मुंशी कंपाउंड निवासी विनय कुमार पाठक और प्रतीक कनुभाई पटेल निवासी मथुरा बिल्डिंग भयंदर के रूप में हुई है। दोनों गांजा बेचने के लिए मोटरसाइकिल पर शिवार गार्डन पर गए थे, जिसकी सूचना पर दस्ते ने उन्हें हिरासत में लिया है। छापेमारी में विनय कुमार के पास से लगभग 60,000 रुपये का गांजा और प्रतीक के पास से लगभग 64,380 रुपये की कीमत का गांजा प्राप्त हुआ है। और पता चला है कि विनय और प्रतीक ने कृष्णा नायडू, राजू नायडू और श्याम से गांजा खरीदा था, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। नया नगर पुलिस स्टेशन में पति, सास, ससुर, ननंद व नंदोई के खिलाफ विवाहिता ने 20 लाख रुपए नगद लाने के लिए मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। मीरा रोड निवासी राहुल सावंत की शादी थाने के रेवा से हुई थी। शादी में रेवा के परिवार ने 20 लाख रुपयों की ज्वेलरी दी थी। इसके बावजूद भी उसके ससुराल के लोग उसे कार और 20 लाख रुपए लाने के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहे थे। रेवा को यह भी पता चल गया था कि राहुल की पहले भी शादी हो चुकी थी। इसके बाद भी रेवा के ससुराल वालों ने ज्वेलरी उससे छीन ली थी। रेवा की शिकायत के बाद नयनगर पुलिस ने उसके पति राहुल सावंत, सास रूपाली, ससुर रमेश, ननंद रीना घोसालकर और नंदोई रोशन घोसालकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।